हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप शेयर टुडे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इसे स्टॉक में देखें तो आज के दिन 1 रुपए की तेजी देखने को मिल रही है और ये स्टॉक निचले लेवल पर काफी बड़ी तेजी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम चार्ट पैटर्न देखें तो इस स्टॉक में निचले लेवल पर काफी टाइम तक ये स्टॉक एक सीमित दायरे में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा था, जहां पर स्टॉक का नीचे के एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है 29 रुपीज। 29 रुपीज के स्टॉक में नीचे के एक सपोर्ट लेवल था और ये स्टॉक जैसे ही 32 रुपीज के प्राइस को ब्रेकआउट देता, जो कि इस स्टॉक का एक हाई था। स्टॉक ने 32 रुपीज का जैसे ही स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, स्टॉक के निचले लेवल पर काफी बड़ी तेजी देखने को मिली, जहां पर स्टॉक ने एक न्यू हाई बनाता हुआ नजर आया 37 रुपीज। 37 रुपीज के से स्टॉक में एक हाई बना, ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक मुनाफा वसूली भी देखने को मिल रही है। अब इस स्टॉक का नीचे के एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है 34 रुपीज। तो अगर आप इस स्टॉक में एक लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाना चाहते हैं तो 34 रुपीज के एक स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के टारगेट अराउंड 42 रुपीज के लिए आप इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रख सकते हैं। जैसे ही ये स्टॉक 37 रुपीज के प्राइस को ब्रेकआउट देता है, लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक में एक बड़ी ग्रोथ देखने को मिलेगी। और जिस तरह सभी बैंकिंग सेक्टर में निचले लेवल पर काफी बड़ा अपर सर्किट लगता हुआ नजर आ रहा है, वैसे इस स्टॉक में भी अभी काफी बड़ा यहां से अपसाइड मूव देखने को मिलेगा। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।